तो हम यहाँ बैठे थे जब हाँ। तो कोई आवाज आया। अच्छा तेज आवाज बड़ी तेज आया। अच्छा जबकि पीछे पीछे की एम्बेसी तक सुना। अच्छा इजराइल एम्बेसी तक, तो हाँ। इसका मतलब आवाज तेजी था। इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे खाली पड़े एक प्लॉट पर धमाके की कॉल है। शख्स ने ये जानकारी पुलिस को फोन करके दी, जिसके बाद पुलिस सानन फानन में मौके पर पहुंची। और किस तरह की तस्वीर मौके से नजर आ रही है वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। और इस इलाके को कॉर्डन किया हुआ है, डू नॉट क्रॉस का जो रिबन है वो लगाया हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो अभी भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये इलाका क्या है, इसको एस्टैब्लिश अगर हम करें तो दरअसल ये पृथ्वीराज रोड है, जो कि इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे का जो सड़क है वहाँ पर ये धमाके की कॉल करीब 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस सकते में आई। क्योंकि इजराइल जिस तरह से अभी इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच में जंग चल रही है, उसके बाद से लगातार यहाँ सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई थी और अब यहाँ धमाके की कॉल आई है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी भी पुलिस बेहद तफ्तीश से बेहद गहराई से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। अभी तक की जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कुछ भी नहीं मिला है, मौके की जाँच लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और एक जानकारी ये मिली है कि स्पेशल सेल जो है वो भी मौके पर पहुँच रही है। तो ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार दिखा रहा है किस तरह से जो यहाँ पर धमाके की कॉल इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे खाली जगह पर धमाके की कॉल मिली थी। मैं आपको अगर दिखाऊं तो पृथ्वीराज रोड यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ इस इमारत के ठीक पास में ये बना हुआ है और हिंदी भवन भी यहाँ पास में है। और अभी लगातार मौके पर दिल्ली पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि लगातार इजराइल एम्बेसी निशाने पर रही है और अब धमाके की कॉल सामने आई है। हालांकि अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्या ये सिर्फ एक ऐसे ही की गई कॉल थी या फिर कुछ इसमें निकल रहा है अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो शुरुआती जांच है अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैं आपको तस्वीर और थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। आप तस्वीर देखिए, यहाँ ये आप देखिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। इसी जगह पर जो है धमाके की कॉल मिली है और यहाँ से करीब अगर दूरी की बात करें तो यहाँ से करीब 700-800 मीटर की दूरी पर इजराइल एम्बेसी का मेन गेट है। लेकिन ये इलाका इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे वाला है, मतलब अगर लोकेशन बताना चाहें तो एम्बेसी के ठीक पीछे का इलाका है पृथ्वीराज रोड पर, जबकि जो एम्बेसी का गेट है वो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर है और उसके ठीक पीछे धमाके की कॉल है। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए किस तरह से बड़े इलाके को कॉर्डन किया हुआ है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। और देखिए यहाँ तमाम कितनी गाड़ियाँ दिल्ली पुलिस की नज़र आएंगी, देखिए दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दिल्ली पुलिस जो है, चूँकि ये मामला इजराइल एम्बेसी से जुड़ा हुआ है तो सिक्योरिटी यहाँ पहले से ही बढ़ी हुई रहती है। और अब देखिए जिस तरह से कॉल मिली है तो तमाम यहाँ पर फायर की गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, एम्बुलेंस यहाँ पर, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, ये देखिए ये मोबाइल फॉरेंसिक की टीम है जो कि दिल्ली में तैनात रहती है। अगर मौके से कुछ मिलता है तो मौके पर ही उसकी फॉरेंसिक जाँच की जा सके। ये तस्वीर देखिए, ये फॉरेंसिक दिल्ली पुलिस की मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी मौके पर जांच जारी है। धमाके की कॉल मिली थी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची हुई है। यहाँ आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर तैनात। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच लगातार करीब अगर बात करें तो 2 महीने से जंग चल रही है और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। उसके बाद जंग के बाद लगातार जो दुनिया भर में इजराइल की एम्बेसी है वहाँ सुरक्षा के जो है वो बढ़ा दी गई थी और यहाँ दिल्ली में भी लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और अब यहाँ धमाके की कॉल मिली है, अभी पुलिस ने यहाँ से इस साइट को अभी बंद नहीं किया है, जांच लगातार जारी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है शुरुआती जाँच के हिसाब से अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी यहाँ पर है, लगातार पुलिस मौके पर है और स्पेशल सेल की टीम भी यहाँ पर पहुँच रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ थोड़ी देर में स्पेशल सेल की टीम भी पहुँचने वाली है। तो तमाम जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी, कॉल करने वाला कौन था, किस तरह से
धमाके की बात सामने आ रही है उसकी तमाम पड़ताल दिल्ली पुलिस यहां पर कर रही है। एक चश्मदीद हैं जिन्होंने धमाके की आवाज सुनी, उनसे बात करते हैं। क्या सुना था आपने छेत्री जी? क्या बता, क्या सुना था आपने? मेरी ड्यूटी यहाँ पे था। हाँ हाँ, इसके गेट से अंदर मेरी ड्यूटी है। हाँ हाँ, बाहर नहीं। हाँ हाँ, तो जब यहाँ बैठे थे जब, हाँ, तो कोई आवाज आया। अच्छा, तेज आवाज बड़ी तेज आया। अच्छा, जबकि पीछे पीछे की एम्बेसी तक सुना। अच्छा, इजरायल एम्बेसी तक, तो इसका मतलब आवाज तेजी था, पीछे वाली एम्बेसी तक सुना गया। हाँ, तो वो लोग आए थे। आपने फिर सबसे उसके बाद क्या? हम यहाँ से जैसे आप एक ड्यूटी हो, जैसे आपकी ड्यूटी हो, हमारी ड्यूटी होते सिक्योरिटी गार्ड की, हमने आगे देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। कुछ धुआं हुआ देखा धमाके के बाद कुछ? उसके बाद हमने जो देख देते यहाँ पे एक पेड़ है। हाँ, उस पेड़ के ऊपर तक धुआं जा रहा था। धुआं जा रहा था, धुआं जा रहा था, ये हमने देखा। अच्छा, से क्या टाइम रहा होगा ये टाइम? किसने आपको कंप्लेंट किया हो ना फोन की आवाज जब? पाँच बजे, साढ़े पाँच बजे ऐसे कुछ आसपास। अच्छा, किसी को आपने सूचना दी यहाँ पे? हमने कुछ भी नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं बोला, हमने किसी को बताया भी नहीं, हमने कोई फोन भी नहीं किया। हम अपना अंदर आए बस। हमने तेज आवाज थी, काफी तेज आवाज थी काफी। क्या नाम है आपका? तेजू छेत्री। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। देखिये, ये सिक्योरिटी गार्ड है तेजू छेत्री, जो की ये केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने धमाके की आवाज सुनी थी और उसके बाद जो है धुआं भी देखा, ये भी दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है, किस तरीके से क्या हुआ था ये तमाम चीजों की जानकारी पुलिस जुटा रही है।